बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आज मैं आप दोस्तों को बहुत काम की बातें बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग भी बहुत परेशान थे। कुछ ऐसी मैं बातें बताने वाला हूं जिन पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो बहुत ख़ास बातें हैं सब्सिडी के हवाले से, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप इन पर अमल करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा लाजमी होगा। और दोस्तों, आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरी सब्सिडी की आने वाली हर किस्म की जो न्यूज़ देता हूँ वो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर आज मैं आपको जो काम की बातें बताना चाहता हूँ ये सुन लीजिए। ये काम आपने हरगज़ नहीं करना, अगर ये काम आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्यारे दोस्तों, जब आप वाउचर सेंड करते हैं तो आपको उसकी पेमेंट आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। आपने सबसे पहले तो वाउचर ख़ुद अपने नंबर से सेंड करना है, और वाउचर सेंड जो आप करते हैं उसको ग्रुप में मत सेंड किया करें। जो भी आप वाउचर सेंड करते हैं उसको सेंड करने के बाद फाड़ दिया करें, क्योंकि ज़ाया कर दिया करें, क्योंकि वो वाउचर आपका इस्तेमाल हो चुका है और ना ही किसी को वो मैसेज दिखाया करें। दूसरा बात, आप आईडी कार्ड्स की फ़ोटो बिल्कुल स्क्रीनशॉट जो है वो आप उसमें अपना जो ऐप से आप देखते हैं, आप कहते हैं कि हमारी पेमेंट नहीं आ रही, वेरीफाइड है, पेमेंट आएगी कब आएगी, ये आपने बिल्कुल भी आपने ग्रुप में सेंड नहीं करना, किसी को व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजना। क्योंकि मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं ग्रुप्स में जो आपका डाटा निकाल रहे हैं। हमारे ग्रुप्स में भी ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को आगाह कर दूं। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप ग्रुप्स में होते हैं तो आपको काफ़ी सारे लोग इस्तियारात आप देखते हैं कि जी आप हमसे डाटा निकलवा सकते हैं, किसी भी आईडी कार्ड का नाम, पता, उसकी वालदा का नाम, उसका मुकम्मल डाटा। तो मैं आपको बता दूँ, जब आपकी पेमेंट आई होती है और आप कहते हैं कि जी ये हमारी पेमेंट आ चुकी है लेकिन हमें मिल नहीं रही, जो नहीं आप उसको ग्रुप में शेयर करते हैं, ग्रुप में शेयर करते वक्त वो लोग आपका मुकम्मल डाटा निकालते हैं, उसके बाद अपने किसी नंबर पे, फेक नंबर पे कनेक्ट का अकाउंट बनाते हैं, कनेक्ट ऐप का। उसी बनाने के बाद आपका पिन कोड अगर नहीं भी है तो वो पिन कोड 1 से लेकर 9999 तक निकाल कर आपकी वो रकम निकाल लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता। दूसरी बात, आपको लोग कहते हैं कि भाई अगर आपकी पेमेंट आई हुई है तो हम आपको पेमेंट निकलवा के देते हैं, आप हमें ये चीज़ें बताएं। आपने हरगज़ भी कोई चीज़ भी ऐसी जो आईडी कार्ड नंबर पूछे नहीं बताना, ना ही कोई एड्रेस बताना है, ना ही किसी मैसेज का पिन कोड पासकोड बताना है। आप बताएंगे तो आप उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे, आपके पैसे निकाल लिए जाएंगे और आपको कोई उसकी वापसी रकम नहीं देगा। ये चीज़ें बिल्कुल आपने ये काम नहीं करना। तो तीसरा नंबर, आपने अप्रैल का वाउचर नहीं लगाना। आपको कोई बंदा कहे कि ये जी वाउचर है मेरे पास, देख लें, स्क्रैच नहीं हुआ, आप ख़रीद लें, ऊपर से अप्रैल वाला वो आपको ना दिखाए, आपको 2020 का दिखा दे, आप खुश होकर ले लें। तो भाईजान, बिल्कुल भी ऐसा वाउचर आपने नहीं ख़रीदना, क्योंकि अगर आप ऐसा वाउचर ख़रीदेंगे तो वो ब्लॉक हैं 2020 अप्रैल का वाउचर, वो वाउचर आपका नहीं लगेगा। तो ये एहतियात करनी है, और किसी को भी पहले वाउचर के पैसे नहीं भेजने। अगर आप वाउचर ख़रीदते हैं, अव्वल तो वाउचर ख़रीदा ही ना करें, अगर ख़रीदते हैं तो पहले पेमेंट जो आप करते हैं बिल्कुल आपने पहले पेमेंट नहीं भेजनी वाउचर की, वरना आप उसका जब पहले पेमेंट भेजेंगे तो आपको कोई भी वाउचर नहीं देगा। हमेशा वाउचर ख़रीदें बाई हैंड, या फिर आप वाउचर ख़रीदें एतमाद वाले बंदे से, जिस बंदे से आप पहले एतमाद है उसी बंदे से वाउचर ख़रीदें, या फिर डील करनी है तो किसी तीसरे बंदे के थ्रू किया करें। हालांकि ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ मुख्तलिफ दोस्तों को कि वो पैसे के लालच में कई बार उनके साथ धोखा हो जाता है। आप समझते हैं कि आपके एक बंदे ने 200 रुपये ले लिए हैं और वो आगे आपको क्या करे, अगर उसने 200 रुपये खा भी लिए तो क्या मसला। तो भाई जान, वो बंदा आपके 200 रुपये जो हैं, 200 रुपये की वजह से पता नहीं कितने बंदों के 200 रुपये करके वो एक दिन में खा लेता है। तो बराए मेहरबानी, कभी भी किसी बंदे को 100 या 200 रुपये आपने नहीं भेजने, क्योंकि इससे आपको कोई फ्रॉड ही मिलेगा।
तो ये चीज़ें थी आज मैंने आपको बतानी थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताता रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा किन लोगों की पेमेंट आ रही है उस बारे में भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए अपने दोस्त आर जमावी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।